हैप्पी 75th रिपब्लिक डे। और इसी खुशी में आज मैं बना रही हूँ घर में डोसा, लेकिन थोड़ा सा गणतंत्र दिवस वाली फीलिंग लाने के लिए हम बनाने वाले हैं तिरंगा डोसा। इंस्टेंट वाला डोसा बनाएंगे यहाँ पर। उसके लिए ना मैं सूजी ले रही हूँ, 1 कप करीबन ले ली है। ये नॉर्मल वाली मोटी वाली सूजी है, कोई महीन वाली नहीं है। इसे मैं एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इसे हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। अब सूजी के साथ में इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो 2 चम्मच 2 टेबलस्पून इसमें मैं गेहूं का आटा डालूंगी, बस और कुछ नहीं जाता है, बहुत सिंपल सा है। और कोई भी फ्लावर इसमें हम नहीं यूज़ करेंगे, इसे हम बिल्कुल महीन नहीं पीसेंगे। हल्का सा दरदरा रहना चाहिए कि आप अगर 2 उंगलियों के बीच में उसे छुए तो आपको ना उसका जो टेक्सचर है उसमें हल्का सा दरदरापन फील होना चाहिए। चलिए, ये मैंने पीस लिया है तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक बाउल में। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो उसके लिए यहाँ पर जाएगा नमक, स्वाद अनुसार थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि आगे चल के इसमें हम कुछ चीज़ें डालने वाले हैं जिससे कि नमक ऐड ऑन हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक हम कम रखेंगे, साथ में बस थोड़ी सी चीनी डालेंगे, अच्छा ब्राउनिश कलर आता है। और 1/2 कप दही मैंने ले लिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, साथ में लेंगे पानी, ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो बैटर की कंसिस्टेंसी है उसे हम थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि बाद में चल के हम जो ऐड ऑन्स करने वाले हैं उसके कारण भी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी। तो थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। और ये बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसको मैं रख देती हूँ साइड में। तब तक हम हमारी बाकी की तैयारी करते हैं, और तब तक सूजी भी फूल जाएगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है पालक, साथ में एक बाउल में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा पालक है, हमें इतनी ज़्यादा पालक नहीं चाहिए है, तो मैंने थोड़ी सी पालक निकाल ली है। इस पालक को पहले तो मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, फिर इसे हम ब्लांच करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए होगी इस रेसिपी में पालक की प्योरी। तो गर्म पानी में मैंने डाल दिया है पालक को, 1 से 2 मिनट के लिए बस गर्म पानी में रखेंगे। और उसके बाद पालक को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर में। ऐसा करने से जो पालक का ग्रीन कलर है ना वो मेंटेन रहता है और वो डल नहीं होता है। चलिए, ये तो ठंडा हो गया है, अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ सेम जार में। मैंने धुला भी नहीं है कि क्या ही धुलना, खानी तो है। तो बस उसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है जार में, और इसे हम पीस लेंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कम पानी में आप इसे बिल्कुल महीन पीस लें। चलिए देखिए, गिरते गिरते बचा। देखिए, पालक की प्योरी हमारी यहाँ रेडी है। अब जो हमने सूजी का बैटर बना के रखा था साइड में वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें मैं डालूँगी 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच पानी, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमारा रेडी है, इसे एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं डोसा बनाने के लिए। लेकिन आज क्योंकि गणतंत्र दिवस है, हम बनाने वाले हैं तिरंगा डोसा। इस बैटर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, 1 ऑरेंज, 2 व्हाइट एंड 3। ये 3 रंग हम यूज़ करेंगे डोसा बनाने में। अब यहाँ पर हम कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, और मैंने ना आज कोई आलू मसाला भी नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा हम डोसा को चटपटा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चिंग्स की शेज़वान चटनी ले ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लिया, आप चाहें तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं, तीखापन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बस चिंग शेज़वान चटनी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और ये देखिए ऑरेंज कलर कितना अच्छा आया है डोसा बैटर में। अब ग्रीन कलर के लिए मैंने ना चिंग्स की ड्रैगन फायर चटनी ले ली है, उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग तीखापन एडजस्ट करने के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ में पालक की प्योरी ले ली है, और ये हमारा ग्रीन कलर का बैटर भी रेडी है, साथ में वाइट बैटर तो पहले ही रेडी था। कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, तो डोसा बनाने में आसान हो जाता है। चलिए, बैटर रेडी है, अब साथ में सर्व करने के लिए हम बना लेते हैं चटनी। तो आज ना घर में नारियल नहीं है, तो सिर्फ मूंगफली की बनाएंगे। ये भी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा आप सभी के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने 1/2 कप मूंगफली ले लिया है, उसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है,
और ऐसा रोस्ट करना है कि ऊपर का जो छिक्कल है ना मूंगफली का वो हट जाना चाहिए। तो हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल मतलब वाइटिश क्रीमिश कलर की बन के निकलेगी, तो दिखने में अच्छी लगती है। तो आशीष यहाँ पर उसका छिक्कल निकाल रहे थे, मैं यहाँ पर लहसुन छील रही थी। तब तक चटनी के लिए जल्दी जल्दी हम चीज़ें कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ना मूँगफली को रब करके ऊपर का छिक्कल निकालेंगे, और फिर ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसे फटकना आता है ना उसके लिए तो बहुत सही है कि फटक लो तो जो ऊपर के छिक्कल है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो आता नहीं है। तो मैंने ये छन्नी ले ली है, उसमें से मैंने मूंगफली अलग कर ली और छिक्कल अलग कर लिए। ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मूँगफली मैंने ले ली है, साथ में मैंने ले लिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ते। अब ये मूंगफली को मैं ट्रांसफ़र करूंगी ग्राइंडिंग जार में, साथ में हम डाल देंगे एक लहसुन की कली, थोड़े से कड़ी पत्ते, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी मैंने इमली डाली है, स्वाद बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और पानी, पानी ज़रूर डालिएगा नहीं तो ये पिस नहीं पाएगी। और ये ना बिल्कुल महीन पीसेगा तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये मैंने चटनी पीस ली है, इसे मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बाउल में। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, गाढ़ी पतली जैसी आपको अच्छी लगे। देखिए कंसिस्टेंसी मुझे ऐसी बहुत अच्छी लगती है। अब इस चटनी में जाएगा एक तड़का, जो कि इस चटनी में लगा देगा चार चांद। तो बस तेल में डाल दिया है राई, थोड़े से उड़द की दाल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल दिया, और बस तड़का रेडी गया चटनी में। चलिए चटनी रेडी हो गई, अब बस किस चीज़ का इंतज़ार है, बना लेते हैं डोसे। डोसा बनाने के लिए ना सबसे ज़रूरी है कि जो आपका पैन है वो रेडी हो जाना चाहिए। तो पहले तो गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए, तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, फिर गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए, उसमें पानी का छींटा मारिए, साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए, और फिर इसके ऊपर हम डोसा बैटर स्प्रेड करेंगे। बीच में मैं स्प्रेड कर रही हूँ ऑरेंज डोसा बैटर, फिर साइड में हम करेंगे वाइट कलर का डोसा बैटर। ये थोड़ा ना आर्टिस्टिक काम है, तो मैं थोड़ी झल्दी हूँ इस काम में तो उतना क्लियर नहीं हो पाया है। आप अपना हुनर दिखाइएगा और सुंदर सुंदर तिरंगा डोसा बनाकर तैयार कीजिएगा। वाइट कलर के साथ में मैंने ना ग्रीन कलर का भी एक आउटर लाइन बना दी है इस तरीके से। थोड़ा सा ना कोशिश कीजिएगा जो ग्रीन बैटर है वो ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज बैटर। ये हमारा डोसा बैटर पूरा स्प्रेड हो गया है, पूरी कलाकारी दिखा दी है मैंने जितनी भी मुझे आती है। अब जब हम बैटर को स्प्रेड कर देंगे, फिर हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से हम तेल डालेंगे सिकने के लिए, और क्योंकि देखिए तवा बड़ा है ना तो तवे को हम चारों तरफ घुमाते हुए आँच के ऊपर दिखाते हुए फिर सेकेंगे, और फिर हम अपने डोसे को निकाल लेंगे तवे से। और ये देखिए कितना बढ़िया तिरंगा डोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है, और अच्छा क्रिस्पी करारी है। मैं आपको ना इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। मैंने कोशिश की है कि इसके करारेपन की आपको आवाज़ सुना सकूं। देखिए कितना बढ़िया बना है, मस्त करारा। चलिए इंजॉय करते हैं अपनी चटनियों के साथ में। खैर यहाँ पर चेंग्स की शेजवान चटनी एंड ड्रैगन चटनी मैंने तिरंगा बनाने के लिए रख दी है। मैं तो सबसे ज़्यादा खाने वाली हूँ मूंगफली चटनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आप उसकी इमेजेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, एंजॉय।